एक बर्गर बनाने के लिए इस टाइप का मैं दो ब्रेड लिया है। तो सबसे पहले हमें ब्रेड को बीचों बीच काट के दो पीसेस में डिवाइडेड कर लेना है। तो चलिए ब्रेड को पहले काट लेते हैं। और अब हमें ये ब्रेड को टोस्ट बनाना है, तो चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं गैस को ऑन करके पैन को गर्म कर लिया है और इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब बटर डालेंगे। बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर ये ब्रेड को डाल देते हैं। ऐसे बटर से टोस्ट करने से ब्रेड खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे हमें 2 से 2.5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे थोड़ा सा टोस्ट बनाना है। थोड़ी देर के बाद ही आप देख सकते हैं ब्रेड का कलर कैसे ब्राउन दिख रही है, यानी कि ये अच्छे से टोस्ट हो गई है, ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो गई है। तो इसे अभी मैं प्लेट के अंदर उठा लेती हूँ। फ्रेंड, आप बेस्ट टिक्की बर्गर या फिर चिकन टिक्की बर्गर की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरे चैनल पे पहले से है, उसकी जो लिंक है मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और अब चलिए बर्गर को सजा लेते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेड के नीचे की स्लाइस रखना है और इसके ऊपर हमें 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली सॉस इस तरीके से लगा देना है। ज्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये ब्रेड का क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और फिर इसके ऊपर हमें लेटस के पत्ते रखना है और ये पत्ते के ऊपर हमें 2 टेबल स्पून भर के मेयोनेज डालना है। इससे ये ब्रेड गीला भी नहीं होगी और खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी लगेगी। और यहाँ पे देखिए, मैं 2 बर्गर को बनाने के लिए 2 बॉईल की हुई अंडा को पहले से स्लाइस करके रखा है। तो 1 स्लाइस की हुई अंडा को इसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर 2 पीस टोमेटो स्लाइस डालेंगे, फिर इसके ऊपर हमें चीज स्लाइस रखना है, 1 प्याज की स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर हमें 1 टेबल स्पून भर के टोमेटो केचप डालना है। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे 2 से 3 पीस पतला करके स्लाइस की हुई खीरा और गाजर। चाहे तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, इससे यह बर्गर खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। और अब हमें फिर से और 1 टेबल स्पून मेयोनीज इसके ऊपर डाल के ब्रेड के ऊपर की स्लाइस इसे थोड़ा सा प्रेस करके इसके बीचों बीच एक छाटी की स्टिक लगा देना है ताकि ये बर्गर का शेप ठीक रहे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा एक बर्गर बन के रेडी है। इसे खाने में तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगेगी। और ये एक बर्गर की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नया नया इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप ममानिस किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ही मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।